हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं MCU 24 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टेट द एथिकल अप्रोच टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि जी हाँ, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। आप चाहे एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में, या थर्ड सेमेस्टर में, या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, सारे के सारे नोट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, जो कि है 8101065300। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप सारे असाइनमेंट्स या सारे नोट्स अगर आप एक साथ लेते हैं तो, ठीक है ना? तो असाइनमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो मैंने अभी आपको बताया था। व्हाट्सएप भी है उसी नंबर पे, तो आप कॉल या फिर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के पहले एक चीज और मैं बता दूं, जस्ट कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए फिर अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ बोला जा रहा है कि एथिकल अप्रोच जो है ये आपका क्या होगा एथिकल डिसीजन मेकिंग को लेकर के, यहां पे आपको जो है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वर्क द रोल ऑफ एथिक्स इन द फ्रेमिंग ऑफ डिसीजंस, मिक्विल बास्टन एक्सप्लेन्स हाउ एथिकल अप्रोचेस कैन बी अडॉप्टेड टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड लेबल्स दिस चैलेंज एज अ स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है जो बेस्टन है, मिकेल बेस्टन है नाम, मैं उसको आई डोंट नो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मैं मिकेल बेस्टन ही प्रोनाउंस करूंगा। तो उन्होंने अपने वर्क में बोला, जो उनका वर्क था, जो उनका बुक था द रोल ऑफ एथिक्स इन द फ्रेमिंग ऑफ डिसीजंस, उसमें उन्होंने कहा है कि जो एथिकल अप्रोच है वो अडॉप्ट किया जा सकता है टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड लेबल्स टू चैलेंज द स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम। जो स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम है उसको चैलेंज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल जो है, एथिकल चीजों का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। बेस्टन डिस्क्राइब्स दिस प्रॉब्लम एज द पॉइंट इन विच द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एथिक्स कुड बी रिकवर्ड टू इम्प्रूव द थ्योरी ऑफ डिसीजन। तो बेस्टन ने इसको एक इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं उस पॉइंट पे, जो डिसीजन आप लेने वाले हो वहां पे, देखना आपके दिमाग में आएगा कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ वो सही है या नहीं है, गलत तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीजें जो है आपके दिमाग में आती है। तो इस तरीके से ये जो है एथिक्स को क्रिएट करता है। इसी तरीके से आप जो है डिसीजंस को ले पाते हो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत आप करने जा रहे हो तो आप उसको नहीं करोगे, और एथिक्स जो है आपका, जो एथिक्स है वो आपको रोकेगा बैड डिसीजन को लेने में। तो डिसीजन को एक तरीके से तैयार करने में, थ्योरी ऑफ डिसीजन को इम्प्रूव करने में जो है एथिक्स बहुत हद तक काम करता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। Further, Bastian attends that the structure of decision problems came from finding answers to the following questions. तो Bastian ने ये बात बोली है, contents, उन्होंने ये बात चीजें जो है लिखी हैं, बोली हैं कि जो structure of decision problem है वो कुछ answers को find out करने के बाद ही आपको जो है मिलता है। आपका जो जो आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें इन्हीं सारे आंसर्स को जो है आपको सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो और आप ये सोचते हो कि आपको क्या करना चाहिए, एथिकली क्या सही है क्या गलत है, उसी के बेसिस पे जो है आपका एथिक्स जो है वो तैयार होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, व्हाट आउटकम विल हैव विल द एक्शन हैव। अगर आप कुछ एक्शन लेते हो तो किस तरह का उसका जो है आउटकम निकलेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल। अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, क्या आपने गोल्स को आप अचीव कर पाओगे। तो ये चीजें जो है क्रिएट करती हैं एक तरीके से डिसीजन मेकिंग को, जो कि एथिक्स से रिलेटेड होता है। Each of these questions can be briefly elaborated as follows. तो ये जो सारे questions अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, इसको हम लोग briefly छोटे तरीके से, small तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। What can I do in this situation? It involves exercising all the faculties possible, to determine the feasibility of exercising the various possible actions open to them. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है एक तरीके से आपके पास जितने भी सारे फैकल्टीज अवेलेबल, जितने भी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप ये डिटरमाइन करते हो कि मोस्ट फिजिबल चीज जो है क्या होगा, कौन सा चीज को अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो मोस्ट फिजिबल क्या होगा, क्या सबसे ज्यादा सही होगा। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या सबसे ज्यादा जो है सही है, क्या, देखो किसी काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं, तो कौन सा जो है वो सबसे बेहतर होगा जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से हो जाए, यहाँ पे फिजिबिलिटी जो है आपको डिटरमाइन करनी होती है। दिस फेज इज नोन एज द ऑपरेटिंग डिसीजन प्रॉब्लम, एज ऑपरेटिंग द डिसीजन प्रॉब्लम। ये जो फेज होता है ये एक तरीके से जाना जाता है ऑपरेटिंग द डिसीजन प्रॉब्लम के नाम से। द स्टेज इन्वॉल्व्स असेसिंग द कॉस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ वेइंग ऑप्शंस टू अराइव एट द मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये जो स्टेज है यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपको कॉस्ट जो है वो आपने असेस करना होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने असेस करना होता है, किस चीज के ऊपर जो है वजन ज्यादा है,
वेइंग प्रॉब्लम देखो, आपके पास तीन चार ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन तीन चार ऑप्शन में जो मोस्ट सुटेबल होगा उसका ही वजन ज्यादा होगा ना, उसी के ऊपर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। अगर आपको चार ऑप्शन चूज करने हैं तो परसेंटेज वाइज कोई ना कोई तो होगा जिसको 40 या 50 50% मिलेगा, तो जो ज्यादा भारी होगा, जो ज्यादा सही आपको लगेगा, उसी को आपने चूज करना है। तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है कि ये जो स्टेज होता है यहाँ इन्वॉल्व करता है कि खर्च क्या होने वाला है और जो आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ना वेइंग प्रॉब्लम्स का, वो क्या है ना, वो मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, जो मोस्ट एफिशिएंट एफिशिएंट अवेलेबल होगा वो आपने चूज करना है, वही आप चूज करोगे। दिस स्टेज कंसिस्ट इन समनिंग ऑल द यू नो करेज एंड फोर्टिट्यूड। ठीक है, तो इस स्टेज में जो है आपके दिमाग में यू नो आपका जो बॉडी है वो समन करता है सारे के सारे साहस को, ठीक है, करेज को समन करता है। आप में कितना ताकत है, कितना आप में साहस हिम्मत है, वो आपको समझ में आता है व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन वाले स्टेज में, जब आपने डिसीजन लेना होता है। अगला है व्हाट आउटकम विल आई हैव। अब ये जब निकल गया तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई चलो यार मैंने ये कर दिया तो इसके बाद मेरा आउटकम क्या निकलेगा, क्या मुझे कुछ सही देखने को मिलेगा, कुछ सही हो जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। तो दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन द सब्जेक्ट डिसाइड्स टू परफॉर्म। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये एक्शन मैं करने वाला हूँ, तो आप सोचोगे कि जो एक्शन मैं करने वाला हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, पॉज के लिए माफी, पर बीच में मुझे लेना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है, ताकि मैं कंटिन्यूअस बोल सकूं ना, कंटिन्यूअस बोल रहा हूं तो उसके कारण से मुझे थोड़ा सा पॉज यहां पे लेना पड़ता है। सो दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स, ये मैंने बताया आपको, ठीक है ना, तो क्या लेने वाले उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या उसका आउटकम होगा, ये आपने सोचना होता है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ द स्टेप, जो भी आप स्टेप लोगे इसका यू नो आउटकम क्या होगा, ये यहाँ पे जो स्टेज है ये प्रिडिक्शन वाला स्टेज होता है, कि आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो उसका क्या असर जो है वो होने वाला है। It assesses the protagonist's knowledge to be prudent and exercise one's moral faculties, to determine which action will lead to the most just and fair solution. तो देखो स्टार्टिंग में तो आपके चार पांच ऑप्शन थे, जो सबसे ज्यादा भारी वाला था उसने अप्लाई करना था। अब यहाँ पे जो है जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो बंदा सोच रहा होता है कि उसने क्या करना है, वो अपने नॉलेज, अपने यू नो एक्सपीरियंस, अपने प्रूडेंस के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि जो एक्शन वो लेगा उसका असर जो है इन फ्यूचर क्या पड़ने वाला है। तो कौन सा स्टेप उसने ज्यादा चूज, कौन सा ऑप्शन उसने अच्छे तरीके से चूज करना चाहिए, जिस डिसीजन का, जिस पॉइंट का जो असर जो है इन फ्यूचर में जाकर के फेयर पड़े, अच्छा पड़े, आपके लिए सही हो, कंपनी के लिए सही हो, वो आपने जो है चूज करना होता है। दिस स्टेज कॉल्स फॉर डेवलपिंग द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी रिगार्डिंग द वेरियस पॉसिबल आउटकम्स दैट आर लाइकली टू फॉलो। तो इस स्टेज में जो है एक तरीके से आप में वो यू नो एबिलिटी डेवलप करनी होती है कि जो आप डिसीजन लेने वाले हो वो सही होने वाला है कि नहीं, है ना, जो आपका पॉसिबल आउटकम है वो होगा, अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो वो चीजें हो जाएंगी, ये सेंस ऑफ यू नो एक तरीके से श्योरिटी सर्टेनिटी जो है आपके अंदर में आनी शुरू हो जाती है जब इसके बारे में आप बार बार सोचते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला पॉइंट जो है काम करता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल, आपका गोल क्या है। Assessing the cost and benefit of the actions possible involves determining the subject's final motives while acting. ठीक है ना, तो जो देखो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो अल्टीमेटली आपका कोई ना कोई गोल है कि आपने ये चीज अचीव करनी है, उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन लोगे, है ना। अगर आपको पता है कि ये डिसीजन लेने के बावजूद आपका गोल पूरा नहीं हो रहा तो आप वो डिसीजन कभी लोगे ही नहीं, उस पॉइंट को आप कभी चूज ही नहीं करोगे, तो आप पॉइंट वही चूज करोगे जिसमें आपका गोल पूरा हो, ठीक है ना। तो आप जितने भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने कर लिया, कॉस्ट एंड बेनिफिट जो चीजें हैं आपने उसको सारा चेक कर लिया, करने के बाद आपने ये चूज करना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा जो है आपके फाइनल गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा। सब्जेक्ट्स फाइनल मोटिव्स व्हाइल एक्टिंग, इन शॉर्ट इट कंसिस्ट इन इवैल्यूएटिंग द वेरियस आउटकम्स ऑफ एन एफर्ट। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, इट कंसिस्ट द इवैल्यूएटिंग द वेरियस आउटकम्स, जो वेरियस आउटकम्स निकलेंगे आप उसको इवेल्युएट करने लगोगे कि चलो ये डिसीजन मैंने लिया तो मुझे यहाँ पे 10% का लॉस हुआ, ये डिसीजन मैंने लिया तो यहाँ पे ब्रेक इवन हो गया, कोई लॉस नहीं हुआ, ये डिसीजन मैंने लिया तो यहाँ पे 5% का मुझे जो है यहाँ पे एटलीस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, 10% 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो जितने भी सारे यू नो आउटकम्स हो सकते हैं उसको आप इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो और अपने गोल के साथ मैच करने की कोशिश करते हो कि अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, कहाँ पे मेरा गोल पूरा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट आउटकम विल हैव, ये सारी चीजों को भी आपको जो है अपने दिमाग में रखना होता है, एथिक्स वाली चीजें जो होती हैं। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अ सर्टेन सेंस ऑफ मोरल इंटेंट एंड मोरल विल टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक एक्शन फाइनली। तो इस वाले सिचुएशन में आकर के जो है आपका यू नो आपका मोरल इंटेंट जो आपका दिमाग में है कि ये सही है या गलत है या फिर क्या जो है रिजल्ट इसका होगा, मोरली सही होगा, एथिकली सही होगा कि नहीं, यहाँ पे आकर के जो है आपको फाइनल डिसीजन जो है लेना होता है और आप एग्जीक्यूट करते हो किसी आपके अपने एक्शन को।
ठीक है, सो दिस इज द एंड। ये तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जब आपके दिमाग में आता है डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, तो ये तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जिसको सॉल्व करके आप आंसर्स को पाने की कोशिश करते हो। कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो नोट्स के लिए, जो कि है 8101065300। ऑनलाइन क्लासेस 500 पर मंथ के बेसिस पर अवेलेबल है, इसमें आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे और फ्री असाइनमेंट्स भी साथ में मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो। अगर आप सिर्फ नोट्स एंड असाइनमेंट्स लेते हो तो वो चार्जेबल होगा, बहुत ज्यादा चार्जेबल नहीं होगा। मैं प्राइसेस आपको अभी बता देता हूँ कि 300 पर पेपर का जो है आपको प्राइस पे करना है अगर आप इंडिविजुअल लेते हो, अगर आप एक साथ लेते हो तो आपको 250 पर पेपर जो है प्राइस इसकी पे करनी है फॉर ऑल द फोर पेपर्स, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है MCA 24, इसमें चार पेपर्स हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीजें होंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करोगे तो यहाँ पे नोट्स एंड असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और ऑनलाइन क्लासेस तो आपको यू नो वीकली दो दिन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो दिस इज द एंड, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू सो मच।